हमारा, चलो उठो। भागना, आप क्यों नहीं भाग रहा है? अगर एक बार भी हमारे बंदे पे हाथ उठाया तो तेरे एक एक करके सारी उंगलियां काट दूंगा। और अगर तुम्हें कुछ होता तो? हमने कहा था माया, हर बार दिमाग से नहीं सोचते। सब हालत कैसे? पीछे बीट पर ऑटो वाले ने बताया और हम लोग फौरन निकले। आखिर ये पांजरा क्या है? इंस्पेक्टर साहब, हमारा नाम मंटू है। एक बच्चे को गुंडों ने किडनैप किया था। हम उस बच्चे को बचा रहे थे और तब से वो गुंडे हमारे पीछे पड़े थे। उन गुंडों ने हमारा ये हाल किया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे ये जाना बहुत जरूरी है कि वो बच्चा सुरक्षित घर पहुंचाए कि नहीं, और उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज एक काम करो, जीप में बैठो जल्दी। जैज, मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। हाँ देख लेना, अगर तुम्हारी बहन हमारे मंटू के साथ हुई ना तो हम जान ले लेंगे उसकी। जस्ट शट अप ओके, जब से यो बकर 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 किए जा रही हो तुम। मंटू और अमाया किस हाल में है, कहाँ है, कैसे है, हमको नहीं पता है। मुझे 100% लगता है कि मंटू अमाया के साथ नहीं है। डू गेट दैट? हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, उल्टी सीधी बातें मन में आ रही है। पता नहीं मंटू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो हम सच में। अम्मू कहाँ थी इतनी देर? हाँ कहाँ चली गई थी तुम? पता हम कितने परेशान थे यहाँ पर। मंटू कहाँ है? तुम्हारे साथ है ना? देखो प्लीज झूठ मत बोलो, हमें पता तुम्हारे साथ था। बोलो ना कहाँ पे है मंटू। उमा हमारा परिवार है, हमारी दोस्त है वो, हमारी आमदर, हमारे हर दुख हर दर्द में हमारी साथ देने वाली। मंटू, मंटू मेरे साथ नहीं था, मुझे नहीं पता कहाँ है। तुम्हारे साथ नहीं था मतलब किसी को गया का? हे भगवान प्लीज बस मंटू कुछ हुआ ना हो। देखो तुम चिंता मत करो, मंटू ठीक है। मेरा मतलब वो ठीक होगा। क्या पता बैटरी चली गई हो उसके फोन की, इसलिए तुम्हें फोन ना कर पाया हो। तुम चिंता मत करो। देखो तुम तो चुप ही रहो, समझ में आई ना? ऐसे करने से तुम्हें तो बहुत चिंता होती है मंटू की। यार नहीं रची थी प्लीज रची थी, जैसे आपको मेरी चिंता थी बिल्कुल उसी तरह उमा को मंटू की चिंता है, और उमा को मंटू की चिंता होना बिल्कुल बिल्कुल जायज है। क्या मतलब? देखो उमा, तुम इतनी देर से हमारे साथ थी है ना? देखो अभी अमाया भी आ चुकी है यहाँ पर, क्या पता मंटू भी आ चुका होगा। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, वहां पर चेक करो कि मंटू आया है या नहीं। ओके हाँ हाँ, हम घर ही जाके देखते हैं। कहाँ चली गई थी अम्मू, बताओ ना। वो रिसेप्शन से मैं बहुत गुस्से में निकली थी, उसके बाद मैंने ऑटो लिया घर आने के लिए, पर उस ऑटो वाले ने इतना घुमाया इतना, वो हम रास्ता भटक गए, और उसके बाद अचानक से ऑटो खराब हो गया और
उसके बाद फोन भी बंद। पर कम से कम एक फोन तो कर देती रास्ते से, किसी का भी फोन लेकर। यहाँ हम कितने परेशान हो रहे थे अबू, रचिदी और मैं दोनों घर में अकेले, ऊपर से मॉम भी नहीं है, एक फोन तो कर ही देती तुम। रियली रियली सॉरी, पर मेरा भी हाल बुरा था और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बस सोना चाहती हूँ। ठीक है अमू, तुम्हें तो बुखार है। जैस अमू को रूम में ले जाओ, मैं मेडिसिन ले आती हूँ। ओके चलो अमू। ये देखो आया और सो भी गया, बताया भी नहीं हमें। तू इस समय यहाँ? मंटू ये क्या हो गया तुम्हें? अरे हमें कुछ नहीं हुआ है, तू चिंता मत कर, हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ हाँ कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, और ये जो तुम्हारा हुलिया बिगड़ा हुआ है पूरे चेहरे का वो। अरे धीरे बोलना, चिकनू सो रहा है अंदर, उसकी परीक्षा है कल। पहले मैं ये बताओ कि ये सब किया किसने है? उमा कुछ नहीं हुआ, बस कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई। नहीं नहीं तुम मत उठो, हम तुम्हारे लिए दवाई लेके आते हैं। अभी तक उसका फोन नॉट रीचेबल है, पता नहीं किस हालत में होगा। बस एक बार बात हो जाए, पता चल जाए कि ठीक है कि नहीं है। अभी भी फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं घर क्यों नहीं पहुंचा है अभी तक। क्या जरूरत है उन गुंडों के साथ पकड़ लेने की? मार खाने का शौक कब से पाल लिया तुमने? उमा हमने कहा। तुम चुप रहो, समझ में आई ना? मुंह तोड़वा के बैठ गए हो, एक बार भी सोचा नहीं कि उमा को बता देते हम कौन सी मुसीबत में हैं। हम इतनी फिक्र कर रहे थे तुम्हारी, और वैसे भी तुम हमें क्यों सफाई दोगे, हम कौन होते हैं तुम्हारे? कैसे फोन करते हो उमा, हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। हमने पूछा कुछ तुमसे? हाँ जो हमें बता रहे हो, हम कौन होते हैं जो हमें सफाई दे रहे हो? उनको बताओ ना जिनको तुम अपना मानते हो। ऐसा क्यों बोल रही हो उमा? तुमने चुप बैठो, पूरी रात इधर से उधर ढूंढ रहे थे तुम्हें। ये दर्द की गोलियां खा लेना। वाह देख उस ड्रेस के चक्कर में इतना सब हो गया। पहाड़ में गई वो मनु, उस ड्रेस उसकी वजह से तो सब कुछ। क्यों बोल रही हो उमा, हम जानते हैं तेरे लिए उस ड्रेस की क्या कीमत है। चुप रहो, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और वैसे भी हमारा गुस्सा नहीं कम होने वाला है, इसलिए चुपचाप तुम आंखें बंद करके सो जाओ। माया इतनी रात के मंटू को क्यों फोन कर रही थी? वहां पे तो इसको कोई फिक्र ही नहीं थी, लेकिन अब क्यों फोन कर रही है? अमू तुम यहाँ मम्मा के रूम में क्यों लेटी हो? कुछ नहीं बस ऐसे, अभी भी थोड़ा फीवर है,
ये लो मेडिसिन ले लो। दवाई खाओ अमाया। जब से आई हो बहुत ही ऑड बिहेव कर रही हो तुम। बताओ ना मुझे क्या हुआ। वो कुछ नहीं, रूम में मन नहीं लग रहा था तो सोचा मॉम के रूम में आ जाऊं। बस मम्मा को मिस कर रही हो ना। मैं भी थी। इफ यू डोंट माइंड आप प्लीज मेरे साथ यहाँ आई मीन मॉम के रूम में सोएंगी प्लीज। ओके पर एक शर्त है। बचपन में तुम मुझे टांगे मार के बेड से नीचे गिरा देती थी, तुम वो तो नहीं करोगी ना। प्रॉमिस। चलो शिफ्ट हो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा कौशल्या, बहुत खुशी हुई तुम लोगों को देख के। प्रणाम बाबूजी। जीत रहो बेटा, जीत रहो। बहुत गर्व है तुम पे। आज जो हम जेल से बाहर निकले हैं तुम्हारी वजह से। जी बाबूजी। बहुत गर्व है तुम पे बेटा। हरि भैया। महादेव भाभी। नमस्ते, आप कैसे हैं भैया? महादेव की कृपा है, बहुत कृपा है। आप कैसे हैं? कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। और बच्चियाँ? तीनों बिल्कुल ठीक है, पर आपकी लाडली अमाया बहुत बदल गई है। बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। समय इंसान को बदल देता है भाभी। वाह बाबूजी, उन ललनियों के लिए इतना लगाव और हमरा का। भाभी एक बात पूछनी थी लेकिन पूछ नहीं पाया आपसे। ऋषि ने मुझे बताया था जब उसने हवेली खरीदी थी चौबे निवास के समय, बिगड़े रिश्ते बने। ये आंटी जी एकदम चुप्पे चाप कैसे हो गई? ससुर का चक्कर है? चौबे से कहा कनेक्शन है भे? चौबे निवास ना, ये गजनन चौबे जी ना। अरे उनको कौन नहीं जानता। अरे उनको तो पूरा बनारस ही जानता है। पुरानी जान पहचाने का क्यों आंटी जी? अरे रुद्र बेटा, तुम लोग अभी अभी तो आए हो, थक गए होगे। स्नेहा जी भी थक गई हैं। जी सना जी, मैं बस एक फोन कर लेती हूँ। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। आओ रुद्र, आओ बेटा। मॉम। हेलो मम्मा, आप पहुंच गए क्या मुंबई? हाँ बेटा, सिन्हा साहब के घर पहुंच गए हैं हम। अच्छा मम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आई मीन रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आप अपनी दवाइयाँ वक्त से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अच्छा बाय द वे, आपको मीठे को टच तक नहीं करना है ओके? और हाँ, मुझे पता है कि ये बात आपको पता है, लेकिन आपको मिनिमम 10 ग्लास पानी पीना है दिन भर में ओके? यस रच्चू मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवाइयाँ मैंने टाइम पर खा ली है और मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। एनीथिंग एल्स? अब थोड़ी देर के लिए मैं मामा बन जाऊं। हाँ तुम तीनों कैसे हो, वहां सब कुछ ठीक है ना? और हाँ, तुम तीनों रिसेप्शन में गए थे क्या? वहां सब कुछ ठीक था ना? हाँ मम्मा, हम सब बिल्कुल ठीक हैं और हम रिसेप्शन पर भी गए थे और सब कुछ ठीक से हो गया। अच्छा वेरी गुड। और आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं?
हम सब हैंडल करना सीख गए हैं मम्मा, बस हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी तुम तीनों को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। जैस और अमू कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? जैस तो अभी तक सो रही है, वो एक्चुअली कल रात को लेट हो गया था घर आने। अच्छा, सोने दो उसे। अमू कहाँ है, उसे बात करवा दो मेरी। अमू बिल्कुल ठीक है मम्मा, आपको बहुत मिस कर रही है, वो आपके ही कमरे में सोई है। बस एक मिनट है मम्मा। क्या बात है, वहां कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन है क्या? हाँ बोलो बेटा। अमू ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं है ना बेटा? हाँ मम्मा, ऑल ओके, हम सब ठीक हैं। वो अमू एक्चुअली बाथरूम में है, रेडी हो रही है। अच्छा, जैसी बाहर निकलती मैं आपसे बात करवाती हूँ। मैं बाद में फोन करूंगी, मेरी बात करवा देना उससे। ओके मम्मा बाय। अच्छा हरी चाचू को हमारा नमस्ते कहना। कह दूंगी। बाय बेटा। बाय मम्मा, टेक केयर। क्या बोलूंगी मंटू से, इतनी सुबह सुबह क्यों मिलने आ गई हूँ? इतनी भी क्या जल्दी थी मिलने की मुझे? भैया रिक्शा घुमा लो। पर मुझे तो उसे देखना है, उसकी वॉच भी तो वापस करनी है। अब बहुत देर हो गई है, हमें भैया से वो चाहिए। वो क्या? अरे वही बेस्ट ऑफ लक। मंटू भी एक बार बेस्ट ऑफ लक बोल दे तो हम निकले, उठाने दो हमें। अरे सुनो तो सही, मंटू कल देर रात से आया था ना, बहुत थक गया होगा वो। जब तुम सो रहे थे तो उसने तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोल दिया था। तो एक काम करो कि तुम भी उसका आशीर्वाद ले लो, उससे बिना उठाए। तुम ठीक कह रही हो, हमें उन्हें उठाना नहीं चाहिए। चलो अब अपना मुंह घुमाओ उस तरफ। क्यों? अरे घुमाओ तो। मैडम चलिए, रिक्शा आ गया। मैडम रुके कि चले कि जाए, अरे आप बता दीजिए, परेशान हो गए हम। बोला ना चल रही हूँ। तो चलने के लिए बैठना पड़ता है, आइए बैठिए। मैडम एक बात बोले, लड़कों को ना बहुत घुमा चुके हैं लड़कियों के घर के बाहर, लेकिन आपने तो लड़की होकर हद पार कर दी। दिमाग की दही हो गया, बैठिए। दिल तुम्हारा ठिकाने पे नहीं और घुटने हमारे खिसक जाएंगे। क्या? कुछ नहीं मैडम, चले क्या? नहीं, अब सीधा जाके मंटू से मिलूंगी, उसका हाल चाल पता करना है मुझे। चलो। अब देखिए आप यहीं रुकिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन जल्दी आना आप। ले लिया आशीर्वाद, अभी हमारी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक। हमें हमारे टीचर जैन ने इतना अच्छे से पढ़ाया, तुम्हारे बेस्ट ऑफ लक की जरूरत नहीं हम। ओहो तुम तो मजाक कर रहे थे, शायद तुम्हारे बेस्ट ऑफ लक से हमारे मास्टर जी हमें आधे मार्क्स और दे दे। चल शैतान, देर हो रही है, चलो। अच्छे से परीक्षा दे के आना, ठीक है? हाँ हम बिल्कुल अच्छे से देंगे। ये रिक्शे वाला कहाँ है? अरे मैडम हम हैं। चलो इसे स्कूल छोड़ दो, चलो बैठो। अरे हमारा रिक्शा खाली नहीं है, सवारी का इंतजार कर रहे हैं। देखो ज्यादा नाटक मत करो, समझ रहे ना, तुम चाय पीने के चक्कर में ये सब कर रहे हो ना। अरे झूठ नहीं बोल रहे मैडम, हमारा सवारी इधर ही। कहाँ है सवारी? अभी तो इधर ही था। रिक्शा अच्छा ठीक है। उमा दीदी हम इस पर चले आएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय। चलो मंटू से अभी नहीं मिल पा रही हूँ, पर कम से कम उमा तो है उसका ख्याल रखने के लिए। तेरे शहर में, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।